रहना और या तुम्हारी शादी कहीं और हो जाएगी। बेटी तुझे कैसे समझाऊं, एक दिन हर बेटी को पिता का घर छोड़ के अपने ससुराल जाने। अल्लाह ने तो फालतू बोल ले, दो तीन आगे डार्लिंग कराई कॉलेज पास, थोड़ा सा हमें पढ़ा दे। क्या बदतमीजी है, ये हट मेरे सामने से। अच्छा इतना बैग है रखो, मैं घूमी यहाँ लड़की की इज्जत लुट रही है और मैं चला जाऊँ। हम अपनी सही सलामती चाहते हो ना, हड्डी पसली बचाना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ का फुट ले। कसम खुदा की उसको तो ऐसा गेम बजाऊंगा आज की करनी भूल जाएगा। पिताजी तुम गांव में किसी को चैन से रहने दोगे ना रहने दोगे? अब तू सुन, तुझे घर में रहना है ना तो तेरा ब्याह सालों से होगा। तमीज तो साले तुझे मैं सिखाऊंगा, दो दो लड़के को फांस के पागल बना रखा। तुम्हें सब पता है फिर भी तुम ये चाहती हो कि दो प्यार करने वाले जुदा हो जाए और फिर से ही राजा और प्यारा मजनू की कहानी बन जाए। भाई रोटी तो दिलेर ने भी ना खाई, एक हफ्ता हो गया उसे। हम प्यार से बात कर रहे हैं तू सिर पे चढ़ा जा रहा, तेरी अकल दो मिनट में ठिकाने लगा दूंगा। हमारे संस्कार कहते हैं हमें बड़े बुजुर्गों से प्यार से बात करनी चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए, और ये तो वैसे मेरे पिताजी हैं। खबरदार हमें पांव दाना दो के बाद। घर में लक्ष्मी आई है, स्वागत करो, आरती उतारो। अंकल ये आपने कभी भाई बहन की शादी होते देखी? पिताजी तुम खामे खा हिंदू मुसलमान के चक्कर में लग रहे, अब कोई ना मानता इन बातों को, सभी इंसान एक बराबर हो। ना मानू ना मानू ना मानू।